सुना होगा ना, ऑफिशियल नहीं तो कुछ नहीं, मैं भी उसी पे बिलीव करता हूँ। और ये नोटिस आज दोपहर से अपना ग्रुप है ये अंशु सिंह के नाम से, इसी का मतलब इसमें चैट करते हैं जितने भी लोग हैं। तो यहाँ पे मीडिया सेक्शन में आओगे तो आपको मतलब बहुत लोगों के थ्रू ये देखने को मिल जाएगा, ये है और उसके बाद ये है और उसके बाद बहुत लोगों ने यहाँ पे पर्सनल पे मुझे फॉरवर्ड किया था, बट इस ग्रुप में भी बहुत आपको देखने को यही मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, ये क्या मतलब वायरल हो रहा है या कौन कर रहा है, कैसा कि ये और है, तो मतलब बहुत लोगों ने पर्सनल पे भी किया और यहाँ पे भी, ये देखो ये है फिर उसके बाद फिर ये है, ये क्या है, चलो डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये सब यार मुझे समझ में नहीं आया, सब बकवास है। एक चीज़ मैं बोलूँगा भाई, हो सकता है बट अपने को मतलब नहीं है। अपना पेपर एयरफोर्स ने बताया 12 जुलाई को पेपर है, 12 जुलाई 15 दिन की तैयारी कैसे करनी वो मैं बता रहा हूँ आपको और जल्दी बताऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपने आप जहाँ चल रहे हो यार, जिस स्पीड से चल रहे हो ना वैसे ही चलते रहो, अभी टाइम बचा नहीं है। मात्र मैं बोलूँ तो गिनती के 10 दिन बचे हुए हैं, 10-15 दिन आज से बचे हुए हैं। और ये सब कुछ लोग पता है, कुछ लोग शौकियाँ भी वही कर देते हैं, शौकियाँ मतलब समझ लो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि चलो अभी एग्ज़ाम टाइम आया तो मतलब कुछ का ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहता ये नोटिस में भी राइट हो सकता है, मे भी रॉन्ग हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैं ये क्लियर करने आया हूँ जितने भी अपन हूँ कि आपको इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, मतलब हटा दो इसे, ठीक है। और आपका पेपर 12 जुलाई है, काउंटिंग के 15 डेज बचे हैं, जितनी भी प्रिपरेशन जैसी भी चल रही है उसे बूस्ट करने की फुल कोशिश करो। और इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ। डियर सर मैम, विथ रेफरेंस टू अर्लियर कम्युनिकेशन फॉर CBT रिक्वायरमेंट, शॉर्ट में बताता हूँ, इंग्लिश इतना नहीं पढ़ने वाला। जो आपका CBT होने वाला था 9 जुलाई से 19 जुलाई कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, वफर अपर डेट सब कुछ होता है ना वो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेड आपके जो डेट हैं वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं COVID-19 की वजह से। और ये आपका जो पेपर वगैरह ये अक्टूबर तक जाके कराया जा सकता है, 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। भाई जिसने भी इसे हल्के में लिया, जो इसे हल्के में लेगा वो आगे निकल जाएगा, मतलब अगर पढ़ाई करोगे जिस स्पीड से चल रहे हो, अगर वैसे ही चलते रहोगे भाई अच्छा स्कोर करोगे, पोस्टपोन होता है कोई दिक्कत ना है, मुझे नहीं लगता अभी पोस्टपोन होगा, क्योंकि SSC के जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए ना वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि सेंटर वगैरह का कुछ इश्यू था, ऐसे मुझे सुनने को मिला कि सेंटर वगैरह अभी ओपन नहीं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाने हैं, ठीक है। और धीरे धीरे भाई सब कुछ ओपन ही हो गया और एग्ज़ाम तो डेफिनेटली आपका कंडक्ट कराया जाएगा, आपको रेडी रहना चाहिए और जो भी होगा साथ में देख लेंगे, बट आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरा आप सभी के लिए एक सजेशन है, बाकी एज यू रूस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंड डेफिनेटली टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगा। बट मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब फेक है, और अगर जेन्युइन भी हुआ ना तो देख लेंगे फिर क्या है। जेन्युइन अगर हुआ तो हमें इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अपने को क्या, प्रिपरेशन बिल्कुल रफ्तार से चलती रहेगी क्योंकि आगे कोस्ट गार्ड भी आ रहा है, NDA भी आ रहा है और उसके बाद अपना नेवी भी आ रहा है, बट मुझे नहीं लगता फेक एक है। 12 जुलाई पेपर का डेट दे दिया एयरफोर्स ने ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो बस चलते रहो स्पीड के साथ में, और कोई दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओ और प्रैक्टिस करते रहो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ये अपना मेन टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, यहाँ पे मैं क्विजेस क्वेश्चन सब आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो ये आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक दे सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर फिर भी कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझे आके यहाँ पे बता सकते हो। किसी का अनअकैडमी में प्लस लेने का प्लान हो तो भी कर सकते हो, और इसका कुछ प्राइस बढ़ने वाला है, सर का मेरे पास मैसेज आया था तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो अगर प्लस अभी तक नहीं किया, ज्वाइन करने के मोड से हो तो कर सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, लक्ष्य करके एयरफोर्स एंड नेवी के लिए न्यू बैच लॉन्च हुआ है आपका 20, जिसमें आपको RSS देखने को मिल जाएंगे, दीक्षा वशिष्ठ मैम, टारगेट NDA 2 आपका स्टार्ट हो रहा है 30 जून से, उसके लिए यहाँ पे कुछ प्राइस जो बढ़े हैं वो यहाँ पे दे दिया गया कि कितना किस मंथ का प्राइस बढ़ा है, तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बाइक करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, अपना कोड ऑनलाइन D50 ऐसे डाल देना, आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, बाकी टेक केयर, और आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।